मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, हम इसको खूब काम में लेते हैं जहाँ जहाँ मौका पड़ता है, जहाँ लोगों से, जैसे संजय ने बताया पूरा। कुछ साथी बात करते हैं कि इस दुनिया में इंसान का दिमाग 25% काम आया है अभी तक, जितनी भी हुई। आप मोबाइल में कहीं भी बात कर लेते हो, हवाई जहाज भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। 25% दिमाग काम आने के बाद इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बाद ये दिमाग कहीं काम नहीं आया कि ये असमानता वाला जो दौर है, आज भी क्या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बाद भी आज भूख है? आज भी लोगों को खाने के लिए उतना ही झंझट करना पड़ रहा है जितना पहले करना पड़ रहा था? क्या टेक्नोलॉजी आने के बाद में लोगों के पेट में खाने की व्यवस्था बैठी? तो वो जो एक वर्ग छूट रहा है वो इस टेक्नोलॉजी के दायरे से भी छूट रहा है। और मैं आज 25 साल से काम कर रहा हूँ गाँव में लोगों के साथ। ये देश लोगों से चलता है, टेक्नोलॉजी से नहीं चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि लोगों में बंटवारा है, यहाँ कुछ खास लोग हैं, कुछ और ज़्यादा खास हैं, कुछ खासम खास हैं, और कुछ लोग हैं जो लोग हैं। तो वो जो इतना दौर असमानता वाला है कि आप किसी को तो कुछ भी मत दो और किसी को इतना दो कि बस वो सोचने लगे कि यार दुनिया हमारे से ही चलती है। और हमारे देश के नेताओं का भी दुर्भाग्य क्या कि वो जाते हैं दुनिया देखने के लिए, जाएंगे बाहर जाके देख के आएंगे क्या चीज़ अच्छी है, और वो यहाँ आके लागू कर लेते हैं कि नहीं वहाँ अच्छा है हम यहाँ करेंगे। हमारे देश की परिस्थितियों को नहीं देखते कि टेक्नोलॉजी कहाँ तो काम आ सकती है, कहाँ पर ये हमें दिक्कत भी कर सकती है। कई जगह टेक्नोलॉजी भूख को भी आमंत्रित करती है, हमारे यहाँ बेरोजगारी के जरिया भी बनती है। तो वो भी हमें समझ के साथ करना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी से इस बात को कहूँगा कि एक बूढ़ा शेर, जब बूढ़ापा आ गया तो शेर को लगा कि अभी शिकार नहीं हो पा रही है, तो उसने एक सियार को कहा कि मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, तुम निगरानी रखना, कोई शिकार आए तो मेरे को इशारा कर देना और उस समय मार दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो सियार को लगा ठीक है, चलो शेर की चौकीदारी कर रहे हैं, इसकी मंत्री बना कर रहे हैं। शिकार आता है, वो इशारा करता, शेर एकदम वहाँ पे एक बड़ का पेड़ था उसके वो 4-5 चक्कर लगाता और फिर सियार को कहता कि मेरी आँखों में देख रंग आया क्या? तो सियार ऐसे आँखों में देखता रहा, उसे कहता नहीं आया, फिर और घूमता, अब देख रंग आया क्या? तो आँखें लाल हो जाती, उसने कहा रंग आ गया, तो बता शिकार कहाँ है, और शिकार को मार देता। ये सियार देखता रहा, शेर मर गया। उसके बाद सियार को लगा कि यार वो जो कर रहा था अपन भी करें, तो उसने खरगोश को मंत्री बना दिया, उसने कहा तो कोई शिकार आया तो मेरे को बता देना और तेरे को मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उधर से शिकार आया और वो खरगोश ने कहा शिकार आ गया है, तो वो पेड़ के चक्कर लगाया, उसने कहा देख मेरी आंखों में रंग आया क्या? तो उसने कहा आंखों में रंग नहीं आया। तो उसने और चक्कर लगाया, बाप देख रंग आया क्या? तो अभी भी नहीं आया। तो उसने कहा रंग आया नहीं तो गया कहाँ, मतलब तेरे को रंग की समझ नहीं है, तू तो बता शिकार कहाँ है। तो शिकार आ गया सामने हाथी, अब वो सियार को कुछ समझ आवे नहीं, वो हाथी के झपट्टा लगाया यहाँ वहाँ, तो हाथी ने पाँव रख दिया सियार के ऊपर। तो सियार के ऊपर पाँव रखते ही उसकी आंखें एकदम बाहर निकल गई और लाल सुरंग। अब वो खरगोश जोर से बोला हाँ अब आया रंग, थोड़ा और जोर लगाओ। तो जोर क्या लगा तो खत्म ही हो गया। तो अब ये चीज़ हमारे देश की समझ के हिसाब से अगर हम कोई बात करें कि टेक्नोलॉजी की जहाँ ज़रूरत है ज़रूर करें, लेकिन उसका कोई औचित्य भी होना चाहिए। आज हम पूरा इसके सहारे चल दें कि नहीं हमारी टेक्नोलॉजी आ गई अब सबको सब कुछ मिल जाएगा, वो बहुत भूल है, भ्रम है। क्योंकि ये देश केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं चल सकता, लोगों का है। और मैं आपको छोटे छोटे कुछ उदाहरण बता सकता हूँ। नरेगा में बहुत अच्छी सिस्टम बना रखे, जैसे संजय ने पूरा अपना देखा, उसमें से यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, उसमें एक सिस्टम है कि भाई आप काम मांगो आपको काम मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा 15 दिन में तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो आज वो उनको मालूम है कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, इसलिए वो काम मांगने की बात को गौण कर जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में है वहाँ पे तो कंप्यूटर में सब कुछ है, लेकिन काम मांगने की रसीद कभी आपको देंगे नहीं तो आपको काम मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप जितना नरेगा में काम दोगे 6% आपको इसमें से आपकी सैलरी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। आज नरेगा की ये स्थिति हो गई है कि उनकी 6% के लिए टेक्नोलॉजी में सब कुछ रिकॉर्ड कंप्लीट होता जा रहा है और लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो इतना भरोसा और इस रूप में हम पहुंच जाएं और लोगों के पास कुछ ना मिले। बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है 200 रुपये, राजस्थान में 500 रुपये मिलता है। दूसरे तो बहुत बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप एक लास्ट में बैठा उस व्यक्ति को क्या दे रहे हो? वो अपनी पेंशन के लिए जाता है, मेरे सामने एक खड़ा था ऑफिस में, गया बाबूजी मेरी पेंशन नहीं आई 3 महीने हो गए। वो पर्ची को देखते, अच्छा बाबा आ जाएगी तुम्हारी, हाँ जाओ आ जाओ।
वापस एक महीने बाद वापस आया, बस मेरी पेंशन नहीं आई। उसने कंप्यूटर में खोल के देखा, टक टक ऐसे कर कर, तुम्हारी बंद हो गई। कि साहब क्यों बंद हो गई? वो तो दिसंबर में ही बंद हो गई। कि साहब क्यों हुई? वापस खोल के देखता है, उसमें लिखा है कि घर बंद मिला। तो मेरी पेंशन बंद क्यों मिली? घर बंद मिला पेंशन बंद? तो क्यों? कंप्यूटर में तो दिमाग नहीं है, कंप्यूटर में वो सेंस तो नहीं है। कंप्यूटर ने घर बंद मिला इसका मतलब मर गया, जिसकी पेंशन दे रहे थे अब वो खत्म हो गया कहानी। तो कि साहब वो तो बंद हो गई, अब क्या करें? क्या अब चालू कर देते हैं? तो कि साहब चालू करो। तो साहब मेरी पिछले 5-7-8 महीनों की जो नहीं मिली वो नहीं मिली। कि क्योंकि कंप्यूटर बैकलॉग नहीं लेता, तो बैकलॉग नहीं लेता तुम 8 महीने की पेंशन खा जाओगे इसको। तो वो जो टेक्नोलॉजी का पूरा जो दुनिया है, जिस तरह से बनती जा रही है, जिस तरह से हमारी निर्भरता इस पर बढ़ती जा रही है, वो लोगों को क्या देगी? क्या वास्तव में आज भी उनकी परिस्थितियों में हम कुछ कर पाएंगे? जो केवल कंप्यूटर की दुनिया में रह जाएगी और बाहर नहीं आएगी, तब तो एक दुनिया तो चलती रहेगी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जो उनका अपने कैरियर और वो सब तो चलेगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए वो बहुत जरूरी था? एक योजना उन्होंने चालू की कि शौचालय, मतलब मोदी जी भी कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय बनना चाहिए और निर्मल गांव बनाएंगे। तो 120 एक गांव में शौचालय बने, मैं भी गया वहाँ। उनका कंप्यूटर रिपोर्ट क्या कहता है कि इस गांव में 120 लोगों के शौचालय बन गए रेडी। तो रिपोर्ट जाता है इस गांव में सबके शौचालय बन गए। हम उन जाके शौचालय को देखा, मैंने कहा यार ये शौचालय बने कहाँ साहब? अरे मैं काम नहीं ले रहा तुम कि कैसे ले? मैं क्यों इनको काम है कि इसमें घास नहीं डाल रखे? कैसा पीछे तो खड्डा ही नहीं, मतलब पीछे खड्डा नहीं है मतलब? तो मतलब आपने उसका मुर्गा लगा दिया, टॉयलेट बैठने की जगह तक लगा दी, लेकिन पीछे पाइप निकाल के छोड़ दिया ऐसे ही। तो मैं पीछे का क्या होगा कि पीछे खड्डा खोदा ही नहीं? तो मैं अभी शौचालय का क्या होगा कि अब क्या करें हम? तो इसको काम नहीं ले रहे। जब उनको जाके कहा मैंने कि ये शौचालय का क्या मतलब है, आप सामने से फोटो खींच के ले जाओगे और आपके कंप्यूटर में भी डाल दोगे और दिखा दोगे ये गाँव निर्मल गाँव हो गया, सबको शौचालय मिल गए, लेकिन पीछे तो ये काम ले ही नहीं सकते क्योंकि आपने उसको उसका जो आउटलेट निकलता है उसका खड्डा है ही नहीं। पूरे गांव में किसी भी शौचालय में खड्डा नहीं है, सारे शौचालय फोटो होके बन गए। तो टेक्नोलॉजी का भी जब तक लोगों से नहीं जुड़े, तो कंप्यूटर में रहेंगे तब तक ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके लिए तो अच्छी है। आप देखो बहुत बढ़िया बढ़िया आंकड़े देखेंगे, देश प्रगति कर रहा है और ग्रोथ रेट भी बढ़िया बढ़ रही है, इसका GDP भी बहुत अच्छा हो गया और गरीबों की ये भी ताकत बहुत, देखो साहब हमारा कंप्यूटर क्या क्या कह रहा है, और ऑफिस में जाके सारे आंकड़े बहुत अच्छा देख सकते हो। उसको धरातल से कैसे जोड़ सकते हो, उसको लोगों से कैसे मिलान कर सकते हैं, तब जाके वो मददगार बन सकती है। बाकी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आ जाए, टेक्नोलॉजी से आप भी खुश, सरकार भी खुश, कंपनियां भी खुश, उनको भी कमाई, सब कुछ चलता है, तो बिल्कुल बिजनेस है। मतलब जो कमाने वाला है उसके लिए टेक्नोलॉजी खूब मदद करेगी। टेक्नोलॉजी गरीबों को कब मदद कर सकती है इसके बारे में हमें, अभी हमारे यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला चालू हो गया। अब उन्होंने कहा कि पहले तो ग्रीवेंस वो दर्ज करते थे, रसीद देते थे हाथ में, अब आज में रसीद यार टेक्नोलॉजी का जमाना है, रसीद वसीद नहीं। तो मैंने कहा क्या करेंगे? सीधा कंप्यूटर पर जाएगा ऑनलाइन। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे भैया ऑनलाइन जाएगा, फिर मैसेज आएगा आपके टेलीफोन पे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो ऑनलाइन शिकायत है कि क्या हुआ कि मेरे राशन कार्ड में मेरा नाम मंगल सिंह की जगह मंगलाराम करना चाहिए था, और मंगल सिंह की जगह मंगलाराम करने के लिए वो ऑनलाइन उसकी शिकायत गई, उसके मैसेज आया कि आपकी शिकायत ID नंबर फलाना फलाना दर्ज हो गई, आपका ये नंबर है। अब ये नंबर है तो फिर क्या करो? अब आप उसको खोल के देखो, उस कंप्यूटर में जाके देखो आपकी शिकायत का हुआ क्या। तो हजारों की संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही है, अभी वो मुख्यमंत्री वहाँ जाके ये सब करवा रही है। हम लड़ झगड़ के उनको कहा कि आप फिजिकली कुछ तो करो, केवल कंप्यूटर के भरोसे मत रहो, कुछ हाथ में रसीद दो लोगों को ताकि पूछ सकें वापस कि मेरी शिकायत का क्या हुआ। वो ऑफिस वाले पूरा मैनेज करते हैं, उनको लगता है कि कंप्यूटर में कितनी शिकायतें दिखाओ और कितना आपने उनका ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट कर लिया वो संख्या दिखाओ। तो लगता है 40,000 शिकायतें आ गई उदयपुर संभाग में, मुख्यमंत्री आई पूरा विधान सभा में पहुंची, 40,000 शिकायतें दर्ज हुई, उसमें से 28,945 तो हो गई, मतलब सॉर्ट आउट थोड़ी बहुत रही जो और होती रहेगी। तो वो आंकड़े देख देख के खुश भी होते रहते हैं और चलाते रहते हैं। जब तक लोगों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है तब तक इस टेक्नोलॉजी एक तरफा तो काम करती रहेगी, दूसरा तरफ तो वही वापस वही, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज की स्थिति बता रहा हूँ, आज भी वही स्थिति है कि आज लोगों को रोज खाने के लिए अपना जुगाड़ उसी तरह से करना पड़ रहा है जैसे पहले करते थे। ये कंप्यूटर नहीं आया उससे पहले भी वही भूख थी,
और कंप्यूटर आया उसके बाद भी यही भूख है, तो वो ये कंप्यूटर उनकी भूख को उनकी गरीबी को कैसे मिटा सकता है, क्योंकि ये जो दो तरफा व्यवहार है वो जब तक मिटेगा ही नहीं, आपकी तो सोच में ही गड़बड़ है ना। आप गांव के स्कूल जाके देख लो, आप जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं आप वो स्कूल देखो, स्कूल में कोई पढ़ाना वाला नहीं। अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, वो मास्टर पढ़ाता नहीं, और इस वजह से वो मास्टर नहीं पढ़ाने की वजह से हर गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गया। अब विकल्प दे दिया, स्कूल प्राइवेट, पैसा है जिसके पास अच्छी स्कूल है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सरकारी स्कूल है। तो 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, BA भी कर लो, तब भी आपको वो ज्ञान या वो समझ पढ़ाई में आने वाली नहीं है। वो बच्चे यहाँ तक नहीं आ सकते, वो बच्चे होटल में, ढाबे में, या संजय की तरह कोई इलेक्ट्रिक का ढाबे में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाकी जगह नहीं आएंगे। अमीर के लिए अलग व्यवस्था है, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे इलाज हो। आपके पास जितने पैसे हैं उतनी पढ़ाई, बच्चा बच्चे आपके पास 3-3 लाख रुपये एक एक बच्चे के LKG में पढ़ता है, उसके LKG में पढ़ने वाले बच्चे के 3 लाख रुपये फीस है, वो कहाँ से लगा है? आप जनते हुए बच्चे को इतना विरोध कैसे पैदा कर सकते हो कि नहीं तू तो यहाँ पढ़ेगा तू वहाँ पढ़ेगा, और उसके बाद हम कहेंगे नहीं टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक करेगी। तो टेक्नोलॉजी तो आपके मन में ही गड़बड़ है कि आपने पहले से ही तय कर दिया कि तू तो वहाँ रहे और हम यहाँ रहेंगे, और अब टेक्नोलॉजी के पूरे देश को बदलेंगे या सुधारेंगे। तो विरोधाभास से बहुत बड़ा, तो मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छी बात है, इतना भी भगवान नहीं है कि सब कुछ ये ठीक कर देगी। अगर वैसे ही ठीक होती तो आप ये सारी इसी में से पैदा कर देते ना, कोई ऐसा कंप्यूटर डेवलप करो जो बटन दबाए गेहूं की बोरी भर जाए, कोई बटन दबाओ जो गोभी का फूल है, बैंगन, टमाटर, मिर्ची सब निकल जाए उसी में से, ताकि आपको किसी और कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़े। आप वहाँ दिमाग लगा रहे हो, यहाँ दिमाग लगाओ, लेकिन क्योंकि आप ये दिमाग इसलिए लगा रहे हो कि इसमें पैसा भी ज़्यादा है, और इससे हम दुनिया को एक भ्रम में भी रख सकते हैं कि अरे यार दुनिया तो बहुत आगे बढ़ रही है, लोग वही हैं, और टेक्नोलॉजी अपना काम किए जाए।